सबसे पहले कल्याण जी का आज काफी उनका जो शो हुआ था मुंबई में दादा साहेब फाल्के अवार्ड, उसको काफी अच्छा नाम मिला, साथ ही साथ सक्सेसफुल हुआ, क्या कहना चाहिए उसको लेकर? सबसे पहले अवार्ड कौन सा भी रहने दीजिए, जब तक इंसान अपना खून पसीना एक नहीं करता उसको अच्छी तरह न्याय नहीं देता जो चीज़ों को जो लोग कर रहे। हम एक चीज़ हमेशा नोटिस करते हैं कि बड़े बड़े जो फिल्म स्टार रहते हैं उनको अवार्ड मिलते, हमेशा अवार्ड मिलते तो अपने अपने सिफारिश से मिलते या कौन सी उनकी मेहनत पे मिलते, ये चीज़ों पे मैं उनके ऊपर वाद विवाद का टिप्पणी नहीं करूँगा। पर एक चीज़ बोलता हूँ मैं कि जो ग्राउंड लेवल के लोग हैं कि जो अच्छा काम कर रहे हैं और उनको वो चीज़ों से सच में कुछ तो प्रोत्साहन मिल रहा है वो जो चीज़ देने के बाद, तो कल्याण जी ने उनके लिए जो अवार्ड फंक्शन ये किया था, आयोजन किया था, तो उससे उनको जो समाज में जो काम करने की जो गतिविधियाँ है तो उसके लिए प्रोत्साहन मिलने की ये अवार्ड्स बहुत एक स्पिरिट का काम करता है। तो इसके लिए मैं उनका स्वागत करूँगा और उनका अभिनंदन भी करूँगा कि आपने इतना अच्छा काम किया, आप समाज को गति देने के लिए जो काम कर रहे हैं, अवार्ड दे के आप सामने वालों को और प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो इसके लिए भविष्य में आपके जो भी कार्यक्रम रहेंगे उसके लिए मैं तो शुभेच्छा है और आपका भाई आपके साथ है, यही चीज़ बोलूँगा। और ये सर थैंक यू आपको आना है। तिवारी जी आप क्या कहना चाहेंगे, आज सक्सेस हुआ है दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड, बहुत ही बड़े बड़े मंच के लोग आए थे, आप भी आए थे, क्या कहना चाहिए? दरअसल ऐसा है कि कल्याण जी जाना जब प्रोग्राम शुरू किए थे तभी मेरी तरफ से भविष्यवाणी हो गई थी कि आदमी एक दिन इतना बड़ा ऑर्गेनाइजर बनेगा, इतना बड़ा नाम होगा कल्याण जी का, क्योंकि नाम में ही जी लगा हुआ है, जिसके नाम में जी लगा हो तो अपने आप ही बड़ा आदमी हो जाता है। तो कल्याण जी का जो शो है, जैसा श्याम भाऊ ने बताया कि एक जमीन से जुड़े हुए लोगों को उन्होंने अवार्ड दिया है, वो बहुत बड़ी बात है। लोग तो सेलिब्रिटी को अवार्ड देते हैं ताकि उनका शो बड़ा हो जाए, मगर कल्याण जी ने जिन्हें अवार्ड दिया है उनकी वजह से वो बड़े हो गए। हम मेरी शुभेच्छा है इनके लिए और आगे काम करें। आगे सर क्या